एक ऐसा गांव जहां 85 साल से बिना कपड़ों के घूम रहे हैं लोग, लेकिन क्यों? आखिर क्यों ये महिलाएं थाली में लात मारकर परोसती हैं खाना? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। भारत के इस गांव में नहीं लागू होते हैं संवैधानिक नियम, गांव वालों ने बनाई है खुद की सदन। आखिर इस रेस्टोरेंट ने बच्चों की एंट्री पर क्यों लगाई रोक? और इस देश में कुत्तों की जगह गिलहरी करती है पुलिस टीम के साथ काम, बेहद चौंकाने वाली है वजह। इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर वन, किसी भी देश में बदलते मौसम की वजह से आवारा पशुओं को काफी परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। इस्तांबुल के बाकिर कोए शहर में बेघर कुत्तों को स्थानीय लोगों ने अपने घरों और मॉल में आसरा दिया है, क्योंकि इन दिनों बाकिर कोए में बर्फीला तूफान चल रहा है और इस वजह से बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है। इसके लिए शहर में एट्रियम मॉल को पूरा रात भर खोला जाता है ताकि बेघर कुत्ते वहां आराम करने के लिए आ सकें। इतना ही नहीं, मॉल में कुत्तों की सुविधा के लिए बिस्तर, कंबल और खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध हैं, जिससे आवारा कुत्तों की ठंड की वजह से मौत नहीं होती है और उन्हें बर्फीले तूफान में एक सुरक्षित और गर्म जगह मिल जाती है। इस मॉल में कुत्तों के लिए खाना और गर्म कपड़े पहुंचाने के लिए स्थानीय एनजीओ के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, जबकि स्थानीय नागरिकों ने भी बेघर जानवरों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। फैक्ट नंबर टू, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसके पास अपना एक घर हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशहाल और आरामदायक जिंदगी बिता सके, लेकिन महंगाई के इस दौर में दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जबकि घर और जमीन खरीदना बेहद खर्चीला सौदा हो चुका है। इंग्लैंड में रहने वाले वानाबे नाम के एक शख्स ने हेल्प टू बाय नाम से एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत वॉल्वरहैम्पटन सिटी में मात्र 99 रुपए में घर खरीदा जा सकता है। इस स्कीम के तहत नागरिकों को 2, 3 और 4 बेडरूम वाले घर बेचे जा रहे हैं। हालांकि उन घरों को अपना बनाने के लिए शहर के निवासियों को पहले उन घरों को 25 साल तक किराए पर लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति 25 साल तक किराए पर रहने में सफल हो जाता है तो उसके बाद वो उस घर को मात्र 99 रुपए की कीमत पर खरीद सकता है। इस योजना के तहत लगभग 100 घरों को बेचा जाएगा, जिसके लिए पहले किराएदारों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों के पास अपना घर नहीं है और वो किराए पर रहने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों को किराए में रहने के बदले सस्ते दामों में घर मुहैया करवाने की स्कीम शुरू की गई है। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है और वो नया घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर थ्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सभी कार्य संविधान के हिसाब से पूरे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी है जहां अपनी न्यायपालिका और संविधान चलता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस गांव का नाम मलाणा है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस गांव में 1,700 लोगों की आबादी रहती है, जबकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। इस गाँव में भारतीय संसद की तरह 2 सदन चलते हैं, जिसमें ऊपरी सदन में 11 सदस्य होते हैं और इसमें गुरु, पुजारी और जमलू शामिल हैं। आपको बता दें कि इस गांव के देवता को जमलू कहा जाता है, जिनका फैसला आखिरी होता है। अगर गांव में कोई मामला होता है तो उसकी सुनवाई और फैसला सदन के सदस्य करते हैं। गांव की सदन में हर साल 8 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसके लिए हर घर के किसी एक सदस्य का चुनाव में हिस्सा लेना जरूरी होता है। इसके अलावा इस गांव में कुछ सख्त नियम कानूनों का पालन किया जाता है, जिनके तहत गांव में बने घरों की दीवारों को छूना मना है। वहीं गांव के अंदर पर्यटकों को आने की इजाजत नहीं है, जबकि यहां की शादियां गांव के अंदर ही होती हैं और बाहरी गांव में बारात नहीं जाती है। फैक्ट नंबर फोर, इस दुनिया में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो अपनी पत्नी का जन्मदिन या अपनी शादी की एनिवर्सरी भूल जाते हैं। पत्नी अपने पति से नाराज हो जाती है या फिर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पत्नी का जन्मदिन भूलना अपराध माना जाता है। इस देश को सामोआ के नाम से जाना जाता है, जो एक आइलैंड देश है और यहाँ बहुत ही सख्त नियम कानूनों का पालन किया जाता है। सामोआ में अगर कोई शादीशुदा आदमी पहली बार अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो उसे पुलिस की तरफ से वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वो आदमी दोबारा से अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाता है तो उसे 5 साल की जेल और मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हालांकि इसके लिए पत्नी को पति की शिकायत पुलिस में दर्ज करवानी होती है, जिसके बाद पुलिस पति के खिलाफ कार्रवाई करती है। यही वजह है कि सामोआ देश के आदमी अपनी पत्नी का जन्मदिन याद रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ताकि उन्हें जुर्माना या जेल की सजा ना काटनी पड़े। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में बहुत से खूबसूरत गांव हैं जिनके अपने नियम कानून भी होते हैं। आज हम आपको उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग कपड़े पहनने से परहेज करते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्टफोर्ड शायर में स्पील प्लाज गांव में एक पुरानी परंपरा की वजह से लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। इस गांव के लोगों का मानना है कि कपड़े पहनना या ना पहनना इंसान की अपनी इच्छा है, जिससे उन्हें आज़ादी का एहसास होता है। यानी इस गांव में कोई व्यक्ति कपड़े पहनने के लिए बाध्य नहीं है, जिसकी वजह से पिछले 85 साल से यहां के लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। यहां तक कि स्पील प्लाज गाँव में घूमने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, उन्हें भी कपड़े नहीं पहनने दिया जाता है। हालांकि सर्दी के मौसम में अगर आप इस गांव में घूमने के लिए जाते हैं तो पर्यटकों को कपड़े पहनने से नहीं रोका जाता है। इसके अलावा जब गांव के लोग बाहर जाते हैं तो कपड़े पहन कर जाते हैं और बाहरी लोगों से घुल मिल कर रहते हैं। हालांकि शुरुआत में स्पील प्लाज गांव के लोग कपड़े पहन कर बाहर नहीं जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें सामाजिक संस्थाओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 6, आज के आधुनिक दौर में ज्यादातर लोग घर से बाहर जाकर खाना खाना पसंद करते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। परिवार के साथ रहने वाले लोग छोटे बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन टिंटन फॉल्स में नेटीज हाउस ऑफ स्पेगेटी ने बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इस रेस्टोरेंट ने फेसबुक पर ऐलान करते हुए बताया कि 8 मार्च के बाद 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना सर्व नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें आउटलेट के अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। दरअसल रेस्टोरेंट के पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से कुर्सियों की कमी है और छोटे बच्चे इधर उधर भागते हुए काफी गंदगी फैला देते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट ने कहा कि बच्चों के होने की वजह से कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और इस दौरान उनको चोट लगने या फिर गिरने का खतरा रहता है। रेस्टोरेंट के ऐसे फैसले से कुछ लोग खुश हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के ना होने की वजह से रेस्टोरेंट में खाना खाना आसान हो जाएगा। तो वहीं कुछ लोग इस फैसले से ना खुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि परिवार वालों के लिए घर से बाहर निकलकर खाना खाना मुश्किल हो गया है। फैक्ट नंबर 7, आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस चोर या चोरी के सामान का पता लगाने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के चोंगकिंग शहर में चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक गिलहरी को नियुक्त किया है, जो चीजों को सूंघने में माहिर होती है। ये गिलहरी ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों को सूंघ कर खोज निकालती है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजों की तस्करी करने वाले अपराधियों को आसानी से पकड़ा जाता है। इसके लिए चीन की पुलिस गिलहरियों को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो जल्द ही उनकी टीम में शामिल होकर ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ने में हेल्प कर सकें। फिलहाल पुलिस के साथ 6 गिलहरियों की एक टीम काम करती है, जिन्हें ट्रेन में छोड़ दिया जाता है और वो चीजों को सूंघकर ड्रग्स और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का पता लगाने में हेल्प करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के खोजी कामों में कुत्ते से ज्यादा गिलहरी फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि अगर गिलहरी को जमीन के अंदर से भी ड्रग्स की गंध महसूस होती है तो वो तुरंत मिट्टी की खुदाई करना शुरू कर देती है। पुलिस कर्मियों को मिट्टी के अंदर दफन ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जबकि गिलहरी के भोजन और रखरखाव का खर्च भी कुत्तों के मुकाबले कम होता है। फैक्ट नंबर 8, भारत में खाना पकाना और परोसना बहुत ही अहम काम माना जाता है, जिसकी वजह से लोग सम्मान के साथ खाना पकाते और परोसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी थाली को लात मार कर खाना परोसने वाली अजीबोगरीब परंपरा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस परंपरा को नेपाल के उत्तरी भाग में निभाया जाता है। दरअसल इन इलाकों में थारू जनजाति के लोग रहते हैं, जो किसी जमाने में भारत के रेगिस्तानी इलाके में रहते थे, लेकिन बाद में नेपाल चले गए और वहीं बस गए। इस जनजाति की महिलाएं थाली को लात मारकर खाना परोसती हैं, जिसे बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं माना जाता है। थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक परंपरा चलती है, जिसकी वजह से महिलाएं थाली में खाना परोसती हैं और फिर थाली को लात से खिसकाकर अपने पति या घर के अन्य पुरुष के सामने खिसका देती हैं। यानी इस जनजाति की महिलाएं हाथ से थाली नहीं देती हैं, बल्कि इसके लिए वो अपने पैरों का इस्तेमाल करती हैं। कहा जाता है कि सन 1576 में
हल्दी घाटी युद्ध के दौरान कई उच्च पद के सैनिक और राजपूत मारे गए थे, जिसकी वजह से थारू जनजाति के महिलाओं के साथ शादी करने के लिए कोई पुरुष नहीं बचा था और उस स्थिति में महिलाओं ने मजबूरी में निचले पद के सैनिकों और नौकरों से विवाह कर लिया था। हालांकि वो महिलाएं शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो उच्च और अमीर परिवारों से ताल्लुक रखती थी। उन महिलाओं ने खुद को घर का मुखिया घोषित कर दिया और वो अपने पति और परिवार के अन्य पुरुषों को थाली में लात मारकर खाना परोसती थी। शुरुआत में ये कोई परंपरा नहीं थी। थाली को लात मारकर खाना परोसना इस बात का प्रतीक होता था कि घर के पुरुष महिला के बराबर नहीं हैं। हालांकि बीते वक्त के साथ थाली को लात मारकर खाना परोसना परंपरा बन गया था, जिसका थारू जनजाति की महिलाएं आज भी पालन करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।